कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार ने सदन में विश्वास मत जीत लिया है। सदन में ध्वनिमत से बहुमत का प्रस्ताव पास किया गया। कुमारस्वामी ने विधानसभा में कांग्रेस जेडीएस के 117 विधायकों ने समर्थन से बहुमत साबित किया। हालांकि भाजपा ने बहुमत साबित करने से पहले विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। भाजपा के सभी विधायक सदन में नारे लगाते हुए बाहर निकल गए। वहीं बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने सदन में कहा कि अगर एचडी कुमारस्वामी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो 28 मई को पूरे राज्य में बंद किया जाएगा। हालांकि कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा की चुनौती पर पलटवार करते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की कर्ज माफी करेंगे। कुमारस्वामी ने बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। स्पीकर चुनाव के लिए चल रही जोर आजमाइश में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेश कुमार का नाम वापस ले लिया। इससे कांग्रेस विधायक के आर रमेश को विधानसभा का स्पीकर बना लिया गया। इससे पहले डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुमार स्वामी को बतौर सीएम 5 साल तक का समर्थन देने का फिलहाल फैसला नहीं लिया है। जी परमेश्वर ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल चर्चा होना और आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। हमारा पहला मकसद शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित करना है, इसके बाद विभागों का बंटवारा और अच्छा शासन देना है। बता दें कि कुमारस्वामी सीएम पद शेयर करने की संभावना को पहले सिरे से खारिज कर चुके हैं। कुमारस्वामी की पार्टी जीडीएस के पास महज 37 विधायक हैं। सीएम पद संभालने के बाद कुमारस्वामी ने कहा था कि हमारा एकमात्र मकसद इसे गठजोड़ को एक आदर्श गठबंधन बनाना है। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि बीजेपी कर्नाटक में नई सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश करेगी। ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸದನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ